दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा कि हम किस तरह प्राइम नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। सही है। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि हमें बताएगा कि हमने जो एंट्री की है नंबर्स की, उसमें से नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर नहीं है। सही है। तो अपने टाइम को ज़ाया किए बिना चलते हैं कोड एडिटर पर। इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक नया फाइल प्राइम के नाम से। उसके बाद इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आएगा जो कि मेन लाइब्रेरी है हमारी सी प्लस प्लस की। उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसमें हम अब एक फंक्शन बनाएंगे प्राइम के नाम से जो कि यूजर से एक नंबर लेगा। यूजर से नंबर लेगा और इसके अंदर हम एक काउंट का इंटीजर, काउंट के नाम का एक इंटीजर बनाएंगे जो के आइट्रेशन, जो नेक्स्ट स्टेप में आइट्रेशंस होंगी उसको काउंट करेगा। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। इसमें एंट आई जो इसकी इनिशियल स्टेज होगी वो 1 से शुरू होगा। सही है। और ये कहाँ तक जाएगा? लेस और इक्वल टू दैट नंबर। सही है। फिर हम आई को प्लस प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि जो हमारा यूज़र ने नंबर एंट्री किया हुआ है उस पर हम एफ़ की चेक लगाएंगे। सही है। कि जो नंबर है उसका मॉडुलस अगर 0 आ रहा है तो हम काउंट में प्लस प्लस कर लेंगे। सही है। फिर उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे एफ की। सही है। अगर काउंट हमारे पास हुआ 2 तो गिवन नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा। और एल्स ये क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट प्राइम नंबर। सही है। अब हम इसको अब मेन में कॉल कर लेते हैं। इंट मेन में हम इस तरह करेंगे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम वन के नाम से। यूजर को हम बताएंगे कि एंटर अ नंबर। सी है नम वन। सही। उसके बाद हम जो हमने ऊपर फंक्शन अपना बनाया हुआ है उसमें हम वो नंबर पास करेंगे। सही है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करते हैं कि क्या पोजीशन आती है। 5। तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम दूसरा कोई नंबर चेक कर लेते हैं, 8। तो 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सही है। कोई दूसरा बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं, 78। तो 78 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। दूसरा 99 चेक कर लेते हैं, तो 99 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद हम 97 चेक कर लेते हैं, तो 97 इज़ अ प्राइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।